अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। लंबे बाल हमेशा से ही खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, मगर बाल लंबे और ख़ूबसूरत बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। लड़कियों के साथ ये एक बहुत बड़ा मसला भी है। अगर बाल छोटे हों तो घने नज़र आते हैं, और अगर बाल लंबे हो जाएँ तो पतले हो जाते हैं। ख़वातीन बाल लंबे करने के चक्करों में न जाने क्या क्या करती हैं, इससे उनके बाल और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे बालों की ख्वाहिशमंद हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि आज की मेरी वीडियो इसी मौजू पर मुश्तमिल है। आज मैं आपको शैम्पू में सिर्फ एक चीज़ डालकर बाल धोने का तरीका बताऊंगी, जिससे आपके बाल ना सिर्फ लंबे हो जाएंगे साथ ही मज़बूत और घने भी होंगे। आखिर वो चीज़ है कौन सी, जानिए आज की स्पेशल वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकॉन को दबाएं, ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप अपने बालों को बेहद लंबे करना चाहती हैं, वो भी कम टाइम में, तो ये टोटका आपके लिए बेहद कारामद है। ये आजमाया हुआ टोटका है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप ऐसा करें कि एक छोटी प्लास्टिक की बोतल लें, इसको आधी से कम पानी से भर लें। अब इसमें तकरीबन 3 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। ये एक गाढ़ा सा महलूल बन जाएगा। अब इस महलूल से सर की मालिश करें। पूरे सर, बालों की जड़ों और बालों के ऊपर नीचे अच्छी तरह लगाएं और फिर 4 मिनट तक लगा रहने दें। 4 मिनट बाद सर सादा पानी से अच्छी तरह धो लें। अब एक टप लें, इसमें पानी इतना डालें कि आपका सर अच्छी तरह धुल जाए। इसमें 4 बड़े चम्मच सिरके के डाल दें। आप इस पानी में ज़रा सा लेवेंडर ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, इससे मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब इस पानी से सर धो लें। हफ्ते में एक बार ये अमल किया करें, आपके बाल इंतहाई तेज़ी से लंबे होंगे। बाल बेहद प्यारे और चमकदार हो जाएंगे, आजमा कर देख लें। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारामद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।